नॉर्थ ईस्ट से जो लड़कियां आती हैं यहाँ पे, आपकी दोस्त भी होंगी अगल बगल यहाँ पे, होंगी ना? चलिए हैं तो क्या मतलब उनको, उन्होंने अभी तक सिक्योरिटी ग्लिच कोई महसूस की कुछ फील? कुछ सौभाग्य से मैं मतलब बहुत खुश हूँ भैया, कि मन था मेरा बहुत लंबे समय से कि मैं BHU का छात्र बनूँ, और मैं आज BHU का सेकंड सेमेस्टर का छात्र हूँ और हिंदी ऑनर से मेरा CU CET में BHU आ रहा है। एक नया एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न हुआ है, NTA करा रही है, तो दूर दूर से लोगों ने अप्लाई किया है। BHU बाहर से सुनने में बहुत बड़ी और बहुत तगड़ी यूनिवर्सिटी लगती है, कि हाँ एकेडमिक चीज़ें बहुत अच्छी चलती हैं, कोई यहाँ आर्ट्स से पढ़ेगा तो UPSC क्वालिफाई कर लेगा, ऐसी क्या चीज़ें हैं यहाँ पे? सिलेबस इसका वैसे एंट्रेंस एग्जाम का क्या होता है? सिलेबस आपको एंट्रेंस को छोड़िए, मेन सिलेबस की बात करते हैं। मेन सिलेबस देखिए ऐसा है कि अरे ऑस्कर रहे हो यार। पहले यदि उन्हीं डिग्रियों के आधार पर धर्म शिक्षक बन रहे थे तो उन्हीं डिग्रियों को अमान्य क्यों किया गया? पहला प्रश्न। क्या नाम है तुम्हारा भाई? हमारा नाम गोलू है, हम यहाँ पर चाय बेचते हैं, BHU स्तम है, हम आर्ट फैकल्टी हैं। हमें गाना सुनाता चाहते हैं, बताओ। लिखे हैं ठीक, कल सुना देंगे। कल सुना देंगे, लिखेंगे थर्ड लाइफ लौटने का। क्लासेस रेगुलर लोग कहते हैं कि आर्ट्स फैकल्टी में नहीं चलती, क्या क्या यहाँ का भी सिस्टम है? मेरी जितनी सब्जेक्ट उसकी रेगुलर चल रही है भैया, एकदम कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो तुम नहीं चल रहा है। असल दोस्तों हम अगर बात करें तो SVDB आर्ट्स फैकल्टी, सोशल साइंस फैकल्टी आसपास रहती है, और छात्र मिक्स हो जाते हैं पूरा, एक दूसरे में घूमते टहलते रहते हैं। तो ये इंटरव्यू ऐसा सिर्फ आर्ट्स फैकल्टी के लिए नहीं है, इसमें सोशल साइंस वाले भी हैं, इसमें SVDB वाले भी हैं। SVDB से पढ़ने के बाद, संस्कृत से पढ़ने के बाद, क्या कुछ प्रोफेसर के अलावा कुछ बढ़िया फ्यूचर है? मेरा कैटेगरी रैंक 147 था और ऐसे 300 के करीब था जनरल। जनरल रैंक 300 के करीब रहने वाले लोगों को ज्योग्राफी अलॉट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे कैसा लगा? लोग CU CET से इस बार आने वाले हैं यहाँ पे, तो क्या लगता है उस लेवल का है BHU CU CET से लोग आने लायक हैं यहाँ पे? जरूर BHU उस लेवल का है। सोशल साइंस में बढ़िया बढ़िया सब्जेक्ट क्या है कि हाँ लड़के टॉपर्स चुन सकते हैं? क्या नाम है? विकेश कुमार। क्या चीज़? विकेश कुमार। विकेश कुमार, पहला बार मैंने ऐसा नाम सुना, बहुत लोगों का इंटरव्यू लिया है। ये अनोखा नाम है ना? अनोखा नाम है। किसने रखा ये नाम? ये नाम मेरे पापा रखे हैं। पापा रखे हैं। यहाँ BHU में आप किस चीज़ के स्टूडेंट हैं, कहाँ पे? मैं यहाँ पे सोशल फैकल्टी का स्टूडेंट हूँ। सोशल साइंस। हमारा ऑनर सोशियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार के लखीसराय डिस्ट्रिक्ट से हूँ। लखीसराय से हैं? काफ़ी मेरे मित्र हैं जो घनिष्ठ मित्र हैं हमारे, लखीसराय से। सूरज सर भी लखीसराय के हैं ना, BHU वर्ल्ड वाले। अच्छा, वो भी लखीसराय से। रजनीश सर ये BHU कॉन्सेप्ट वाले हैं। बहुत सारे वहाँ पे बहुत सारे वहाँ पे। सूरज सर कैसा काम कर रहे हैं? सूरज, मैं उनसे पढ़ाई किया, बहुत अच्छा काम किए वो। अच्छा, एक फीडबैक मिला है मालवीय अकेडमी का, हमारा चैनल नहीं है भाई मालवीय अकेडमी, दूसरे का चैनल है, BHU के स्टूडेंट ही फाउंडर है उसके। बढ़िया पढ़ाए उन्होंने? बहुत बढ़िया पढ़ाए हुआ हम लोग को। क्या क्या मतलब उनके ही सारे सिलेबस से आपने ये क्वालिफाई किया कि कुछ अलग से भी करना पड़ा? सही से बताइए। नहीं ना, वो ना एक प्लेटफॉर्म तैयार कर देते हैं कि आपको इस वे में तैयारी करना चाहिए, बाकी आपको तो एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना पड़ेगा, लूसेंट पढ़ना पड़ेगा, ये वो तो एक वो तो कोचिंग है बस। तो आपको सिलेबस बताएं कि इस चैप्टर से क्वेश्चन इतने पूछे जाएंगे, बस वो बता देते हैं आपको। सेल्फ स्टडी तो करना ही होगा। अच्छा। इन क्लास बहुत हेल्पफुल रहा। कितने पैसे लिए उन्होंने? कोर्स का फी था लगभग 2500 रुपये। मात्र 2500 रुपये? 2500 रुपये उस साल भर का था। अच्छा। और बहुत बहुत मेहनत किए थे वो। और कितना वीडियो लेक्चर वो 2500 रुपये में देते हैं लगभग? 2500 रुपये में टोटल लेक्चर तो शायद हिस्ट्री का 20 लेक्चर, ज्योग्राफी का 18 लेक्चर, ऐसे 20 लेक्चर। अच्छा। सब्जेक्ट वाइज रहता था, ऐसे ही लेते रहते हैं। तो यहाँ पे कैसा लगा? लोग CU CET से इस बार आने वाले हैं यहाँ पे, तो क्या लगता है उस लेवल का है BHU CU CET से लोग आने लायक हैं यहाँ पे? जरूर BHU उस लेवल का है। सोशल साइंस में बढ़िया बढ़िया सब्जेक्ट क्या है कि हाँ लड़के टॉपर्स चुन सकते हैं उसको? टॉपर्स की चुनने की बात जब आती है तो फिर जैसा कि मैंने सजेस्ट किया, लोगों को सजेस्ट कर सकता हूँ कि ये सोशियोलॉजी ना बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। आप सारे सब्जेक्ट को ना कंबाइन करेंगे ना, ये सोशियोलॉजी मतलब हर सोसाइटी से रिलेट करते रहता है। अच्छा। सोशियोलॉजी का हर टॉपिक सोसाइटी से वो रिलेट करता है। अच्छा, तो मैं सोशियोलॉजी पढ़ना जरूर सजेस्ट करूँगा कि लोग आए और सोशियोलॉजी सब्जेक्ट जरूर लें। सोशियोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस तो है ही, पॉलिटिकल साइंस भाई हमारा देश है, इसमें बहुत सारे सिस्टम है, राजनीति को समझिए आप। और अब प्रोफेसर भी काफ़ी बढ़िया बढ़िया हैं। प्रोफेसर तो पॉलिटिकल साइंस के बहुत बढ़िया हैं, एक हमारी बगीचा में हमें बहुत अच्छी पाती है। अच्छा, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। लोग बोलते हैं ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट भी बहुत अच्छे होते हैं। ज्योग्राफी सब्जेक्ट बहुत अच्छे होते हैं, आपको यहाँ की ज्योग्राफिकल चीज़ें समझने के लिए क्यों ये रॉक है, बहुत सारी चीज़ें समझना बहुत जरूरी है। जैसे दोस्तों मैं यहाँ से पढ़ा हुआ हूँ तो जैसे मुझे पता है ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो टॉप लेवल के लोगों को मिलते हैं, जैसे रैंक जिनका बहुत अच्छा आता है, टॉप रैंकर को मिलता है। सही बोला, इकोनॉमिक्स हो गया ना, ये सब टॉप रैंकर को मिलता है। मैं भी ना इकोनॉमिक्स ऑनर्स रखना चाहता था। हमारा काम कैसा लगा? आपने देखा? बहुत अच्छा लगा, मैं आपका वीडियो देखता हूँ, आपने मतलब हर जगह की ग्राउंड रिपोर्टिंग आप करते हैं,
अच्छा लगता है ये, अच्छा लगता है ये सीखने का तरीका हम लोग का बेस्ट है, मुझे अच्छा लगा ना इसलिए मैं आके आपको बात किया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप मिले, आपका भी धन्यवाद। लखीसराय से दोस्त मिले कभी नहीं भूलेंगे हम इनको, और आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा पूरा छुट्टी हो गई आई थिंक यार, अभी एक घंटे गैप होगा। अच्छा फर्स्ट ईयर है आपका? हमला फर्स्ट ईयर है, सेकंड सेमेस्टर है, फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर है। पढ़ाई अच्छी करा रहे हैं इन लोग, एजुकेशन सिस्टम बीएचयू का बढ़िया है? पढ़ाई अच्छी हो रही है, बाकी उन्होंने ये जो कि थर्ड ईयर के स्टूडेंट है ना, ये सब मिलकर ना एक प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं 14 डे का, वो इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश क्लास, ये सब मैं उसमें अटेंड किया हूँ। अच्छा इनरोल किया हूँ। इनरोल किया आपने? ये सब प्रोग्राम चलते रहते हैं। भाई का नाम पूछते हैं, क्या भाई क्या नाम है आपका? आशीष प्रजापति। आशीष कहाँ से? आशीष आजमगढ़। आजमगढ़ से। फर्स्ट ईयर है आपका? हाँ। सेकंड सेमेस्टर? हाँ। ऑनलाइन के बाद आप लोगों ने पहली बार क्लासेस देखी होंगी बीएचयू की? जी हाँ। कैसा लगा, क्या फैसिलिटीज लगी यहाँ पे? यहाँ पे लाइब्रेरी और सभी टीचर्स सपोर्टिव हैं एकदम। और क्या ऑनर्स दिया आपको? ज्योग्राफी ऑनर्स। ज्योग्राफी ऑनर्स, अभी बात हो रही थी कि नहीं टॉपर्स लोगों को ज्योग्राफी मिलता है, क्या रैंक आया था आपका? मेरा कैटेगरी रैंक 147 था, और ऐसे 300 के करीब था जनरल रैंक। जनरल रैंक 300 के करीब रहने वाले लोगों को ज्योग्राफी अलॉट कर दिया जाता है। चलिए तो यहाँ ये इंस्टीट्यूट ऑफ फेमिनेंस में आता है बीएचयू, सुना है इंस्टीट्यूट ऑफ फेमिनेंस का नाम सुना है कभी? नहीं जानते नहीं। चलिए अच्छा कुछ क्या नाम है वैसे आपका? सत्येंद्र। सत्येंद्र आपका भी सेकंड सेमेस्टर नए नए आए हैं आप? नहीं मैं मास्टर फर्स्ट ईयर। मास्टर्स फर्स्ट ईयर है। हम लोगों का काम देखते रहते हैं आप? हाँ देखते हैं। बहुत देखते हैं। बढ़िया करते हैं। बहुत मजा आता है। मजा आता है। चलिए धन्यवाद। ये क्या नाम है आपका? नोखा बोहम। नोखा बोहम कहाँ से हैं आप? अरुणाचल। अरुणाचल बीएचयू पहली बार आए? मास्टर्स है या यूजी है? मास्टर्स। कैसा लगा बीएचयू में फैसिलिटीज? बीएचयू फैसिलिटीज अच्छा है। अच्छा है। लो आप सजेस्ट करेंगे नॉर्थ ईस्ट से लोग इतने दूर से यहाँ पे आए, सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा है यहाँ का? हाँ ठीक है, काफ़ी ठीक है। नॉर्थ ईस्ट से जो लड़कियाँ आती हैं यहाँ पे, आपकी दोस्त भी होंगी अगल बगल यहाँ पे? हाँ, होंगी ना? हाँ, चलिए हैं तो क्या मतलब उनको, उन्होंने अभी तक सिक्योरिटी ग्लिच कोई महसूस की कुछ? फील कुछ ऐसा इश्यूज तो नहीं आया अब तक। क्या नाम है तुम्हारा भाई? हमारा नाम गोलू है, हम यहाँ पर चाय बेचते हैं बीएचयू ईस्ट में, हम आर्ट फैकल्टी हैं। हमें गाना सुनाता चाहते हैं, लिखे हैं हम ठीक, कल सुना देंगे। कल सुना देंगे लिखेंगे थग लाइफ लौटने का, बहुत सही। और भैया क्या नाम है भैया आपका? शाश्वत ओझा। कुछ बताएंगे आप क्या करते हैं यहाँ पे? यहाँ हम पढ़ाई करते हैं MPMIR में। MPMIR में मास्टर्स में हैं आप जी? MPMIR के बारे में कुछ बताएंगे क्या, कैसा कोर्स है? कोर्स तो बहुत बढ़िया है, प्रोफेसर टीचर भी बहुत बढ़िया है, ध्यान मन लगा पढ़िए, और एकदम मतलब ऐसा स्ट्रक्चर किया गया है कि आगे आपको ज़्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है। जो कोर्स है वो आप आग बंद करके पढ़िए, उससे आपकी नेट वेट सबकी तैयारी होती रहेगी। अच्छा और प्रोफेसर तो इतने बढ़िया है कि आप बैठ के सुन लीजिए बस, काम खत्म, जाइए घर पे अपना दो तीन बार रिवाइज वाइज कर लीजिए, पूरा वारा नारा हो जाएगा, हम पढ़ लेंगे यहाँ से तो। हाँ अब ये है कि ध्यान मन ला पढ़ना पड़ेगा तभी कार्यक्रम होगा, तभी कार्यक्रम होगा। MPMIR में लोग बोलते हैं कि प्लेसमेंट के लिए आते हैं, प्रोफेशनल कोर्स है सोशल साइंस का, तो क्या प्लेसमेंट मिलता है इसमें? काहे नहीं मिलता यार, पढ़ाई करो काहे नहीं मिलेगा। कैसी कैसी कंपनीज आती हैं? जैसे सारी कंपनी आती है, बीएसयू भी आती है। ठीक एग्जांपल दे दो। ठीक अब एग्जांपल यहां पर तुम भी थोड़ा दे दो, तुम भी पढ़ रहे हो। आदित्य बिरला आया था, एग्जांपल में क्या देना चाहिए? वो नेता जी हम कहां से जवाब देंगे? कैसा आप जवाब दीजिए, कैसी कैसी कंपनीज आती हैं MPMIR में? कॉर्पोरेट सेक्टर की कंपनियां आती हैं बेसिकली। कॉर्पोरेट सेक्टर की कंपनीज आती हैं, कैसा कितना पैकेज दे देते हैं वैसे? 3 से 4 लाख का। 3 से 4 लाख पर एनएम का? बहुत कम है यार। अभी स्टार्टिंग में तो ठीक है, फिर आप ग्रो करेंगे जैसे जैसे काम करेंगे सीखेंगे। प्रमोशन भी होता है क्या इन सब प्लेसमेंट्स में? अरे क्यों नहीं होता है, हम करेंगे तो आप प्रमोट करेंगे। चलिए MPMIR जी, सिलेबस इसका वैसे एंट्रेंस एग्जाम का क्या होता है? सिलेबस आपको एंट्रेंस को छोड़िए मेन सिलेबस की बात करते हैं। मेन सिलेबस देखिए ऐसा है कि अरे ऑस्कर हो यार कि जो नेट की तैयारी, नेट का सिलेबस है आपका, छोड़िए अब क्या बच्चे हंस रहे हैं। ये हंसने पे पूरा क्वेश्चन बेकार हो जा रहा है ना, लेकिन क्या रहा है आपका आप बताइए, कैसा मूड खराब कर दिया? नहीं मूड बनाने के लिए क्या करना होता है, माहौल तैयार करना होता है पूरा? उन लोग को बोल रहे हैं देखिए अब कुछ कोई सीरियस सवाल चलता रहता है तो उसको सीरियस जवाब देना चाहिए। एजुकेशनल मीडिया है काम करते हैं, हंस रहे हैं बीच में तो कुछ पॉइंट नहीं रहता है। आइए हम एक और छात्र से मिलाते हैं आपको और डायरेक्ट इन्हीं से दर्शन कराते हैं। क्या नाम है भाई आपका? नीरज कुमार गुप्ता। नीरज गुप्ता कैसे हैं नीरज? ठीक हूँ। कैसा लगा बीएचयू आपको, पहली बार आए होंगे आप? हाँ पहली बार।
फर्स्ट ईयर है हम लोग। अच्छा, बीएचयू इतना बड़ा नाम सुना है, बीएचयू, और क्या लगा कि कुछ यहाँ पे जो सुन करके आए मिला हमको? हाँ, फैसिलिटी तो मिली, लेकिन क्लासेस उस तरफ नहीं चल रहे हैं जैसे चलने चाहिए थे। क्लासेस नहीं चलते हैं। सीयू सीईटी में बीएचयू आ रहा है, एक नया एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न हुआ है, एनटीए करा रही है, तो दूर दूर से लोगों ने अप्लाई किया है। बीएचयू बाहर से सुनने में बहुत बड़ी और बहुत तगड़ी यूनिवर्सिटी लगती है कि हाँ, एकेडमिक चीज़ें बहुत अच्छी चलती हैं, कोई यहाँ आर्ट्स से पढ़ेगा तो यूपीएससी क्वालिफाई कर लेगा, ऐसी क्या चीज़ें हैं यहाँ पे? यहाँ पे एकेडमिक ठीक है, सब्जेक्ट वाइज पढ़ाते हैं ठीक है, लेकिन अगर आप वो कंपटीशन की तैयारी करनी है तो बीएचयू से तो मुझे नहीं लगता नहीं होगा। अच्छा, आपको दिल्ली वाली जा कर तैयारी करना पड़ेगा, किसी कोचिंग का सहारा लेना पड़ेगा। इस बीएचयू के सिलेबस से मुझे नहीं लगता कि जो सिलेबस वो तय किया गया उससे हो पाएगा। क्या नाम है आपका? सजभूषण तिवारी। तिवारी जी, एक बात बताइए, यूपीएससी की तैयारी अगर करनी हो तो क्या बीएचयू चुन सकते हैं? क्या बीएचयू यूपीएससी वाला माहौल? तिवारी जी से मैंने एक सिंपल क्वेश्चन किया कि क्या यूपीएससी जैसा माहौल बीएचयू में है? मैं संस्कृत का छात्र हूँ, यूपीएससी की तैयारी करता नहीं हूँ, संस्कृत के बारे में पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। संस्कृत आर्ट्स फैकल्टी संस्कृत है कि एसवीडीवी संस्कृत? एसवीडीवी से। क्या करें, मास्टर्स? हाँ, इस समय आचार्य कर चुका हूँ। आचार्य कर चुके हैं, पीएचडी करने जा रहे हैं? हाँ, पीएचडी करने की इच्छा है, अभी तो रट के एग्जाम दिया हूँ। तो बहुत ही सुशील प्रोफेसर बनेंगे ये एक दिन। चलिए इनसे बात करते हैं, कहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया अपना? यहीं ग्रेजुएशन यहीं से, एसवीडीबी से, और पोस्ट ग्रेजुएशन भी यहीं से है। एसवीडीबी, दरअसल दोस्तों हम अगर बात करें तो एसवीडीबी आर्ट्स फैकल्टी सोशल साइंस फैकल्टी आसपास रहती है और छात्र मिक्स हो जाते हैं पूरा एक दूसरे में, घूमते टहलते रहते हैं। तो ये इंटरव्यू ऐसा सिर्फ आर्ट्स फैकल्टी के लिए नहीं है, इसमें सोशल साइंस वाले भी हैं, इसमें एसवीडीबी वाले भी हैं। एसवीडीबी से पढ़ने के बाद, संस्कृत से पढ़ने के बाद, क्या कुछ प्रोफेसर के अलावा कुछ बढ़िया फ्यूचर है? हाँ, उसमें जैसे धर्म शिक्षक था आर्मी में, एक धर्म शिक्षक की जगह निकलती थी उसमें भी, और शिक्षक के क्षेत्र में और भी बहुत हैं, इसमें आईएएस पीसीएस इत्यादि सब बन सकते हैं, लेकिन अपने अनुभव और व्यक्तित्व के अनुसार से, बुद्धि के हिसाब से। यदि किसी की बुद्धिमंद है तो किसी क्षेत्र में तैयारी नहीं कर पाता, यदि बुद्धि से प्रबल है तो हर एक क्षेत्र में तैयारी कर लेता है और संस्कृत के बारे में जानता भी रहता है। अच्छा, एक मतलब एक चीज़ें चल रही थी, मसला था कि आर्मी में जो रिक्रूटमेंट होता है जिसके लिए आप बता रहे हैं पुजारी के लिए, उसमें बीएचयू का छात्र एलिजिबल ही नहीं था, उसके पास डिग्री क्या था कि पता नहीं आर्मी में क्या कैसे दो तीन सालों से ऐसा हो गया है कि इनकी डिग्रियों को अमान्य कर दिया गया है। जैसे संपूर्णानंद हो गया और ये बीएचयू के हो गए, मतलब कि जितने भी संस्कृति के शास्त्रीय आचार वगैरह जितने भी हैं सबको अमान्य कर दिया गया है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में इसका मतलब कि जैसे अन्य धर्मों के जो लोग जाते हैं तो उनको अमान्य नहीं किया गया है। ये केंद्र सरकार या आर्मी में पता नहीं क्या कैसे क्या है, ये हमको तो पता नहीं है, लेकिन संस्कृत पे तो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, संस्कृति को आगे बढ़ा रही है बीजेपी गवर्नमेंट, तो ये तो कोई बात नहीं हुई इसको? नहीं, तो इसके बारे में मैं बता रहा हूँ ना कि ये भाई सरकार का ही इशू है, पहले तो डिग्रियाँ मान्य थी लेकिन अब अमान्य हो गई, क्या प्रॉब्लम आ रही है। कुलपति भी, संपूर्णानंद के कुलपति भी अपना अर्जी लिखे, यहाँ के भी लोग अर्जी लिखे। अच्छा। लेकिन उन अर्जियों को क्यों नहीं मान्य किया जा रहा है, ये सरकार जाने, ये वो लोग जाने, ये हम लोग तो छात्र हैं, हम लोग क्या जाने। तो यूजीसी को जाती होंगी, मतलब कि वही सरकार को दे रहे हैं, तो मतलब तो वही है ना कि मतलब पूरा यूजीसी अपने बिहार पे काम नहीं करी, गवर्नमेंट के बिहार पे काम करी है। लेकिन ये सब चीज़ें अगर कहीं का वाइस चांसलर लिख करके भेज रहा है, कहीं का एचओडी लिख कर, तवज्जो देना चाहिए। और पहले यदि उन्हीं डिग्रियों के आधार पर धर्म शिक्षक बन रहे थे तो उन्हीं डिग्रियों को अमान्य क्यों किया गया, पहला प्रश्न। यदि अमान्य किया गया तो क्या कारण था? उन्हीं डिग्रियों के बल पर बहुत धर्म शिक्षक बने और अब उन्हीं डिग्रियों को अमान्य किया जा रहा है, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पर समस्या आई? ये सरकार को भी देखना चाहिए, आर्मी को भी देखना चाहिए। अभी तक ये मसला खत्म नहीं हुआ, सॉल्व नहीं हुआ अभी तक तो ऐसा कुछ हमको समझ में नहीं आया, क्योंकि 3 वर्ष हो गया है अभी तक भर्तियां भी नहीं खुली। और समय से आप जान रहे हैं अपने एसवीडीबी फैकल्टी को, क्या लोग जाते थे अंदर वहाँ पूजा कराने? कहाँ, वहाँ पे लोगों ने नौकरी ली, आर्मी में लोग जाते हैं, यहाँ से लोग गए? बहुत लोग गए हैं, संपूर्णानंद के बहुत गए हैं। साल लगभग कितने लोग चले जाते होंगे? उस वर्ष लगता है 2-3 हमारे संबंधी मतलब के गए थे, और उसके पहले भी एक हमारे परिवार का भी मतलब कि नहीं, हमारे गांव के बगल क्या एक गया था, और हमारे परिवार का मतलब एक लड़का जो है तो दौड़ निकाला, और परीक्षा में जब मैंने डिग्रियां जब देखने लगा था, ये मध्य प्रदेश से चालू हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ कि उन डिग्रियों को अमान्य कर दिया गया, फिर उत्तर प्रदेश में उन्हीं डिग्रियों को से परीक्षा हुई, फिर परीक्षा के बाद परीक्षा में शायद गए थे, परीक्षा हो गई थी,
फिर कुछ ऐसा इशू हो गया कि फिर मैंने उन डिग्रियों को, इस वर्ष भी उन डिग्रियों की यहाँ मान्य कर दिया गया पूरे भारत में, मतलब संपूर्णानंद संस्कृत और इत्यादि जितनी मैंने यूनिवर्सिटी है उनकी मैंने डिग्रियों को मान्य कर दिया गया है। लेकिन यहाँ के कुलपति लोग अपना ज्ञापन दिए कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, पर पता नहीं ये सरकार का मसला है, उन लोगों का मसला है, हम क्या चलिए इसको सॉल्व करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। भागने लगे थे तिवारी जी का, एक ऐसा क्यों भागने लगे थे? भागने का मतलब ये है कि जिस क्षेत्र से हमें उस क्षेत्र से आप प्रश्न करिए। संस्कृत के लोग आईआईटी आईएमएस कहाँ कहाँ से लोग यूपीएससी में जाते हैं और हमको तो पता नहीं है किसके चेहरे पे क्या लिखा है। पूछूंगा आप बताएंगे तभी ना मालूम चलेगा। हाँ ये तो है। तो हमसे बात करके अच्छा लगा आपको? हाँ बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम है हिमांशु मिश्रा, बीएचयू स्टूडेंट लाइफ चैनल का नाम है। अरे क्या नाम है? मिहिर मिश्रा व्यनस्त। मिहिर, मिहिर मिले थे बहुत समय पहले और हम लोग शूट कभी, हम जैसे जो जो लोग हमसे मिलते हैं यहाँ कैंपस में, हम बाय चांस कैमरे पे नहीं आ पाते और मिल गए हैं आज। क्या मिहिर कहाँ से हैं आप? यही फैकल्टी से, भैया सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। आर्ट्स फैकल्टी सेकेंड सेमेस्टर, कहाँ से आए हैं आप? हम देवरिया से हैं। देवरिया, देवरिया ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है देवरिया। और कैसा लगा आपको आर्ट्स फैकल्टी में पढ़ के पहला? बहुत अच्छा लग रहा है भैया, और सौभाग्य से मैं मतलब बहुत खुश हूँ भैया कि मन था मेरा बहुत लंबे समय से कि मैं बीएचयू का छात्र बनूँ और मैं आज बीएचयू का सेकंड सेमेस्टर का छात्र हूँ और हिंदी ऑनर्स है मेरा। हिंदी ऑनर्स मेहर, सीयू सीईटी से लोग आने वाले हैं, चुन करके लोग आएंगे, बेस्ट बेस्ट लोग आएंगे, कैसे आएंगे अब नहीं पता। उनको आप क्या बोलना चाहेंगे कि बीएचयू क्या बढ़िया है, पढ़ाई लिखाई का माहौल यहाँ बढ़िया है? एकदम बहुत बढ़िया है भैया। अब डी यू में, मैं डी यू में काफ़ी समय तक रहा हूँ, मैं उससे कह रहा हूँ कि डी यू से भी हमको अच्छा लगता है बीएचयू, क्योंकि डी यू का जो ब्रांचेस अभी है वो अलग अलग है काफ़ी जगह पे, जैसे आर्ट्स का अलग है, बीएससी का अलग है। मैं अभी यहाँ भैया अभी कुछ ही समय से, आपको तो पता ही होगा कि सेकेंड फर्स्ट सेमेस्टर में तो हम लोग का ऑनलाइन चला है, ये सेकेंड सेमेस्टर से भैया ऑफलाइन हुआ है, तो सेकेंड सेमेस्टर भी ऑफलाइन हुआ है। कुछ ही दिनों से मैं हूँ, अब बीएससी के कई भैया लोगों से मुलाकात हुई, कई जो हमारे बैच के हैं उन लोगों से मुलाकात हुई, तो मतलब काफ़ी डाइवर्सिटी यहाँ पे आपको मिलेगी। अब डीयू में क्या है, दूर दूर है तो हो सकता है एक ही कैंपस में यहाँ पे आईआईटी आईएमएस एग्रीकल्चर साइंस कॉमर्स जर्नलिज्म बहुत लोग आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में बीएचयू आता है, कुछ जानते हैं आप इसके बारे में? इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के बारे में नहीं, कुछ नहीं जानते हैं। 1200 करोड़ बीएचयू को मिलता है इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के नाम पे, ताकि गुणवत्ता बढ़े, पढ़ाई लिखाई बढ़े, जागरूकता फैलानी चाहिए इसके बारे में, जो जो नई नई स्कीम्स निकल रही हैं आप ध्यान दे रहे हैं बीएचयू की? या एकदम भैया एकदम, आपके चैनल से जुड़ा हुआ, जितने भी आप स्कीम बताते हैं चाहे जितने भी बताते हैं तुरंत सर्च करता हूं, देखता हूं क्या है, उसके बारे में समझने की कोशिश करता हूं। क्लासेस रेगुलर लोग कहते हैं कि आर्ट्स फैकल्टी में नहीं चलती, क्या क्या यहां का भी सिस्टम है? मेरी जितनी सब्जेक्ट उसकी रेगुलर चल रही है भैया, एकदम कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो मतलब नहीं चल रहा है। अब कोई कारणवश तो, क्योंकि प्रोफेसर साहब भी हम लोग के वो भी एक मनुष्य ही हैं, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि उनकी तबीयत खराब हो, मगर रेगुलर ही चल रहा है। हॉस्टल वॉस्टल की सुविधाएं यहाँ पे, सेफ्टी वेफ्टी की बातें, सिक्योरिटी बढ़िया है? हाँ एकदम बढ़िया बढ़िया है भैया। हॉस्टल तो अभी तक मिला नहीं है हमको, मगर जितना मैंने घुमा है हॉस्टल तो अच्छा लगा। चलिए बात करके मिहिर अच्छा लगा। तो मिहिर यहाँ पे हॉस्टल नहीं मिला आपको? अभी तक तो नहीं मिला है हॉस्टल। सबको नहीं मिलता इसका मतलब ना? नहीं सबको नहीं मिलता है, 30% लोगों को मिलता है, तो इस बार तो अभी काफ़ी कम हो गया है क्योंकि कोरोना की वजह से कुछ लोगों, एक साथ ज़्यादा लोगों को अलॉट करना पड़ रहा है, जो फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड सेमेस्टर के दो लोगों को एक साथ अलॉट करना पड़ रहा है। अच्छा। तो इससे इस बार थोड़ा सा हमको लगता है, ऐसा आधिकारिक रूप से भी कोई जानकारी नहीं है, मगर ऐसा लगता है कि इस बार कुछ कम लोगों को अलॉट हुआ है, क्योंकि अभी तक हम क्या कहता है वार्डन साहब से मिले तो उन्होंने बताया कि 100 लोगों को ही केवल इस बार हॉस्टल आर्ट्स में मिला है। अच्छा, फर्स्ट ईयर में से 100 लोगों को हॉस्टल मिला बॉयज़, ये डाटा है, इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हॉस्टल बहुत क्रीम लोगों को मिलता है और हॉस्टल में सीटें नहीं है ना, 700 लोग आर्ट्स फैकल्टी में आ रहे हैं, हॉस्टल की सीट कितनी है, 100-150, तो इसमें कैसे फुल हॉस्टल दिया जा सकता है। चलिए बात करके बहुत अच्छा लगा, फिर मिलेंगे। पहुँचे हैं लाइब्रेरी और ये अभिनव भवन है, अभिनव भवन को लोग बार बार खोजते हैं, यही अभिनव भवन है। तो जय भाई लो, जय महाराष्ट्र। और कहाँ चले, और फर्स्ट ईयर के लोग कहाँ मिलेंगे यार, अंदर है क्या सब? काफी दिनों भी हम देख पा कोशिश आ रही थी, काफी दिनों से आपसे मतलब देवरिया वाले लोगों से ज्यादा मुलाकात हो रही है, आप बताए भी वीडियो में कि चाहे जाने पे मैं सोच में, चाहे जितने भी जाते आप लोग देवरिया से, कोई दोस्त भी है आपका देवरिया, देवरिया से, देवरिया देवरिया बहुत ज्यादा देवरिया, बहुत ज्यादा देवरिया इन दोनों आपका वीडियो। चलिए
देवरिया के लोग अच्छे हैं, बहुत लोग मिल रहे हैं, प्यारे प्यारे लोग देवरिया से। ठीक है बढ़िया यार, बढ़िया वीडियो तो भैया कतई जहर वीडियो काफी जहर मिल रहा है। हम अभी